संत निरंकारी मंडल हमीरपुर ने कोरोना महामारी में लोगों की सहायता के लिए कदम उठाते हुए स्वास्थ्य विभाग को 50 स्टीमर 5 पल्स ऑक्सीमीटर दिए। उन्होंने बताया कि यह संस्था पूर्व में लोगों की सहायता करती आई है। उन्होंने बताया कि यह संस्था कोविड काल में भी लोगों की सहायता करती आई है। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल के द्वारा विधायक नरेंद्र ठाकुर के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को सामान सौंपा गया ताकि कोविड मरीजों की मदद की जा सके। इस अवसर पर संत निरंकारी मंडल हमीरपुर के सदस्य राजेश भी मौजूद रहे। वहीं विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि संत निरंकारी मंडल के द्वारा पहले भी समाज सेवा के लिए काम किया जाता रहा है और अब कोविड महामारी के दौरान संस्था के द्वारा मरीजों की मदद के लिए आगे आया है, जिससे मरीजों को काफी मदद मिलेगी। उन्होंने लोगों से आह्वान किया है कि कोविड मरीजों की सहायता के लिए आगे आएं। वहीं उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि सरकार के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करें। देश में जो ये सेकंड वेव कोरोना की आई है, काफी इफेक्टिव वेव है ये और लगभग हजारों की संख्या में लोग हमारे संक्रमित हुए हैं, तो इस चेन को तोड़ने के लिए आज रात से शाम से एक जो लॉकडाउन की घोषणा सरकार ने की है, डेफिनेटली बड़ा स्ट्रिक्टली जैसे पहले लॉकडाउन था उस ढंग से तो नहीं है, कुछ चीज़ों में रिलैक्सेशन दी गई है, लेकिन फिर भी ये जो चेन है इसको तोड़ने के लिए काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। और मेरा पब्लिक से भी पूर्ण मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें पूर्ण सहयोग दें, पूरी एहतियात बरतें और जो गाइडलाइंस हैं उनका अनुसरण करें, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है बिना आपके सहयोग से इस पर पूर्णतः कंट्रोल पाना जो मुश्किल है। सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, हर प्रकार की हेल्थ सर्विसेज जनता को प्रोवाइड कर रही है और इस लॉकडाउन का अगर पूर्णतया जैसे गाइडलाइंस ऊपर से आई हैं लोग इसमें कोऑपरेट करेंगे तो आने वाले समय में बाकी ये चेन जो है कोरोना वायरस की टूटेगी और एक बार फिर हम कोरोना फ्री हिमाचल प्रदेश जैसे पहले हुआ था आने वाले समय में होगा, ये मेरी आशा है और विश्वास भी है। निरंकारी मंडल हमीरपुर जिन्होंने कोविड की सिचुएशन देखते हुए आज हेल्थ डिपार्टमेंट को लगभग 50 ये जो स्टीमर व 5 ऑक्सीमीटर आज दान दिए हैं। ये संस्था सोशल वेलफेयर संस्था है और कोई भी ऐसी जब क्राइसिस की बात आती है ये हमेशा सोशल वेलफेयर के काम में हमेशा कार्यरत रहते हैं और पिछले लगभग जब से कोविड इस देश में प्रदेश में बस दुनिया में सक्रिय हुआ है, ये कई बार काफ़ी जगह पहले तो सफाई अभियान से भी जुड़े रहे और कई इन्होंने ब्लड डोनेशन के कैंप भी लगाए, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये संस्था जो है वाकई सोशल वेलफेयर में बहुत ही एक्टिवेट रहती है और इस संस्था का वैसे भी हमारे जो बड़े कुछ ऐसे लोग हैं बड़े हेल्पलेस लोग हैं उनको ये फाइनेंशियली भी ब्लड डोनेट करके भी व जैसे जैसा हालात है उस हालात को मद्देनजर रखते हुए हमेशा लोगों के बीच में लोगों की भलाई करते रहते हैं। आज मैं एक बार फिर इनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने जो आज इसको हेल्थ डिपार्टमेंट को ये दान दिया है तो कोविड महामारी में इनका बहुत ही अच्छा उपयोग होगा और आने वाले समय में भी मेरी संस्था से यही आशा है कि इसी तरह से ये कार्यरत रहे, इनका समाज के लिए बहुत ही बड़ा योगदान है। धन्यवाद। संत निरंकारी मंडल हमीरपुर के सदस्य राजेश ने कहा कि विधायक नरेंद्र ठाकुर के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग को 50 स्टीमर 5 पल्स ऑक्सीमीटर दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान संत निरंकारी मंडल के द्वारा आगामी दिनों भी इसी तरह सहायता का क्रम जारी रहेगा। आज संत निरंकारी मिशन नर सेवा नारायण पूजा के तहत संत निरंकारी मंडल ब्रांच हमीरपुर हेल्थ डिपार्टमेंट को 50 स्टीमर और 5 ऑक्सीमीटर विधायक के माध्यम से देने जा रहा है, तो मैं आशा करता हूँ आगे भी विधायक जी के जो इन्होंने हमारे इतने से कम समय में आके हमारा मार्गदर्शन किया है, सहयोग किया है, तो मैं फिर चाहूँगा कि आगे भी जो सेवाएं की जाएंगी इनके माध्यम से ही हो और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हेल्थ डिपार्टमेंट का कि उन्होंने भी टाइम निकाल के डॉक्टर साहब ने
तो हमारे यहाँ से हो किया, तो ये हमारी तरफ से जो है ये दिया जा रहा है। धन्यवाद।